हेलो दोस्तों वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस यदि आप प्रीमिक्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल से एक और एडवांटेज जो टेलीग्राम चैनल का है वो ये है कि यहाँ पे क्विज कंडक्ट किया जाता है हर रोज जो पुराने प्रीमिक्स हो चुके हैं स आप आगे की पढ़ाई भी करेंगे और रिविजन भी आपका एवरीडे बेसिस पे होता रहेगा तो आइडिया बहुत सिंपल है कि आपको एफिशियंट पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है Efficiently MCQs को resolve करने की तरफ जाना है चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पे एब्सोल्युटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एडवांसिंग मॉनसून इन इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए स्टेटमेंट्स कहते हैं बाय अर्ली जून यानी कि समर्स में प्लेन्स में लो प्रेशर कंडीशंस इंटेंसिफाई होती हैं और ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती हैं सदर्न हेमिस्फीयर से ये जो ट्रेड विंड्स हैं जिन्हें साउथ ईस्ट विंड्स कहा जा रहा है ये ओरिजिनेट होती है ओवर सादर ओशंस फिर इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और इंडियन पेनसुला में एंटर करती हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से और इसी को जो है साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता है अब क्योंकि ये विंड्स वार्म ओशन से आती हैं, ये इंडियन सब पे पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेकर आती हैं, यानी कि रेनफॉल लेके आती है तो इसको आप ध्यान से पढ़िए राइट यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनना चाहिए ध्यान से पढ़िएगा साउथ ईस्ट विंड वेस्ट मॉनसून, क्या कौन से पैरामीटर्स आपको आते हैं ध्यान दीजिए और यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी बात मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बेसिकली यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लाइमेट ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट के बारे में पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं जब भी आप अर्थ के रेफरेंस में बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न आपको पता है सन डायरेक्टली ओवरहेड ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स होता है बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सन की रेस स्लंटिंग होती है इसी को अगर मैं सिंपलीफाइड शब्दों में कहना चाहूं तो मैं कह सकती हूं कि सन विद इन द ट्रॉपिक्स तीन पोजीशंस के बीच में मूव कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन केप्रिकॉन टू इक्वेटर टू कैंसर विच मीन्स जब भी हम समर्स की बात करते हैं जब भी आप समर्स की बात करते हो तो जो सन है दैट इज डायरेक्टली ओवर हेड ओवर

इसी समय पे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे आप देखिए डायरेक्टली सन ओवरहेड नहीं है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में यहां पे कोल्ड होगा यानी कि हाई प्रेशर इन्हीं कंडीशंस को अब हमें यहां रेप्लिकेट करना है ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एंड दिस इज योर इक्वेटर नाउ ये जोन आपका कौन सा था वॉर्म्थ का वॉर्म यानी कि लो प्रेशर ऑन द कॉन्ट्री आपका जो ये जोन है कोल्ड हाई प्रेशर अब हवा ने कैसे बहना है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लेकिन कुरियोल फोर्स का भी तो इम्पैक्ट है डिफ्लेक्शन तो होगी ना हवा की कुरियोल फोर्स की वजह से तो यहां से हवाएं शुरू होंगी दिल क्रॉस द इक्वेटर फिर से डिफ्लेक्शन होगी और कुछ इस तरह ये इंडिया में एंटर करेंगी विच मीन्स विच मीन्स अगर हम इनकी डायरेक्शंस देखें अब राइट right? ये जो हवाएं हैं ये देखिए साउथ ईस्ट मॉनसून तो आपकी साउथ ईस्ट ईस्ट्रेडविड या साउथ ईस्ट मॉनसून कहते हैं ऑन द कंट्री जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाती है इक्वेटर से पार करके फिर से डिफ्लेक्ट होती है अब अगर हम इनकी डायरेक्शन बनाए तो क्या बनेगा साउथ वेस्ट मॉनसून अब देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून तो यही तो हम सवाल में पढ़ रहे थे कि समर्स में नॉर्दर्न प्लेन्स पे आपका जो प्रेशर है वो इंटेंसिफाई होगा लो प्रेशर होगा ये आपकी सदर्न सेट साउथ ईस्ट स्टेटमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा जो इक्वेटर को पार करके फिर से डिफ्लेक्ट होंगी और साउथ वेस्ट मानसून कहलाएंगी और यही हवाएं क्योंकि आप देखो वाटर बॉडी से होके जा रही हैं तो ये मॉइस्चर विंड्स को अपने साथ लेकर आएंगी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेनफॉल करेंगी तो ये पूरा का पूरा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इन टर्म्स ऑफ एडवांसिंग मॉनसून पता होना चाहिए राइट right? मैंने आपको एग्जैक्टली exactly एनसीआर से ये इमेज भी लेके दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगेन एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन आर एसिमेट्रिकल इन नेचर द कोर पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट और ये जो है पेरिली स्नो बाउंड है और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ से आते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका ऑल थ्री ऑफ दी मैंने आपको बहुत बेसिक बताती हूं। वैसे तो चलो मैंने आपको इमेज दी हुई है आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए बट आप बेसिक चीज समझिए कि जब भी आपके हिमालयास की फॉर्मेशन की बात होती है इंडो ऑस्ट्रेडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बात होती है कि इंडो ऑस्ट्रेडियन प्लेट कॉन्स्टेंटली यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी यहाँ पे जियो सिंकलाइन था राइट यहाँ पे टेथी सी था जहाँ पे पानी तो था ही था है ना यहाँ से जो रिवर्स आ रही थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स ला के भी यहाँ पर इकट्ठी कर रही थी ना जैसे जैसे इंडो स्टेडियम प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी है राइट यहां पे क्या हुआ पानी एक पॉइंट पे फ्लश आउट हो गया और जो भी सेडिमेंट्स थे यहां पे वो सेडिमेंट्स इकट्ठा होकर उन्होंने हिमालयस की फॉर्मेशन की अब ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि एक सिंगल रेंज बनी है यहां पे इन सेडिमेंट्स से राइट right? ऐसा नहीं कि एक सिंगल पहाड़ी बनी है ये जो फोल्डिंग हुई है यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस बनी है तो जो भी यहाँ पे सेगमेंट से जब वो इकट्ठे हुए हैं तो मल्टीपल रेंजेस बनी है तभी तो आप देखते ग्रेटर हिमालयाज मिडिल हिमालयाज लेसर हिमालयाज जैसे हम डिफरेंट हिमालयाज की बात करते हैं है ना क्योंकि मल्टीपल जो है यहाँ पे फोल्ड जो है देखे गए हैं राइट right? आप देखेंगे इनके साइज में भी फर्क है ये तो हमने बहुत रफ डायग्राम बनाया है और यहां पे हम देखेंगे हम कहते हैं कि जो ग्रेटर है, है ना जो सबसे पहले बने हैं वो बहुत एसेमेट्रिकल है अब वैसे तो चलो आपको आपको ये याद ही करना है है पर मैं आपको थोड़ा सा एसेप्ट बता देती हूं कि आपको याद रह जाए राइट यहां पे ना बेसिकली नैप का कॉन्सेप्ट होता है जियोलॉजी में एक नैप करके शब्द होता है पेपर में नहीं पूछेगा बेसिक समझ लो राइट आपको पता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है

राइट right? ये जो मूव होता हुआ लैंड है इसे नैप भी कहा जाता है याद रखने का तरीका है नहीं तो ये एक फैक्ट है कि ये इंपॉर्टेंट है।, है, है आपको याद रखना अब न मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूं यहाँ पे बसालिक रॉक क्या होती है और ग्रेनाइटिक रॉक क्या होती है अब before you understand this, right, you have to understand कि ये किस चीज़ के फॉर्म्स है।, है।, है ना? Igneous rocks जो कि या लावा से बनती है इग्नियस रॉक्स भी आपने पढ़ा होगा दो तरह की होती हैं इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव राइट अब देखो जब भी हम मैग्मा की बात कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है राइट right? वो जो है क्रस्ट से हो, क्रस्ट की तरफ आता है अब जरूरी तो नहीं है ना कि मैग्मा हमेशा क्रस्ट को तोड़के जो है अर्थ अर्थ के जो सरफेस पे ही ही हो सकता है कि अर्थ की क्रस्ट में ही वो इकट्ठा होके कूल डाउन हो जाए है ना स्टैंडर्ड तरीका तो क्या होता है जो जो हम इमेजिन करते हैं कि मैग्मा बाहर आ गया और बाहर आके फिर इकट्ठा हो गया जब ये सेटल हो जाएगा ठंडा हो जाएगा इससे रॉक्स बन जाएंगे पर ये आइडियल हो हम सोचते हैं दिस इज हाउ इमेजिन इट राइट लेकिन आप समझिए जरूरी नहीं है कि जो मैग्मा है वो हमेशा ही क्रस्ट की तरफ आए ध्यान रखिएगा कि जब आपके अर्थ के इंटीरियर में होता है इट इज कॉल्ड मैग्मा राइट कभी कभी क्या होता है ये यहीं पे जो है यहीं पे जो है कूल डाउन होके यहीं पे रॉक्स बना देता है कभी कभी क्या होता है यही मैग्मा अर्थ की क्रस्ट पे पहुंचता है फिर इसका नाम हो जाता है लावा और ये जो है अर्थ की क्रस्ट पे कूल cool होता है तो ध्यान रखना कि जब भी ये अर्थ की इंटीरियर में कूल cool डाउन होके वहीं पे रॉक बना देगा राइट राइट इसको आप इंट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस इग्नियस रॉक रॉक कहते हो और किससे बनती है मैग्मा से बनती है इसका नाम टेक्निकली मैग्मा होना चाहिए ऑन द कंट्री एक्सट्रूसिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मैग्मा आपका क्रस्ट तोड़ के अर्थ के सरफेस पे आ चुका हो तब इसका नाम बन जाता है extrusive इग्नियस रॉक और ये किससे बनी होती है लावा से बनी होती है तो ध्यान रखना intrusive इग्नियस रॉक के लिए इसका नाम होता है कि ये magma से बनी है तब यहां पे मोमेंट इट reaches द surface इट इज कॉल्ड लावा ये एक जेनरिक डेफिनेशन है राइट अब ध्यान रखना जो आपकी intrusive इग्नियस रॉक है इसी को हम ग्रेनाइटिक रॉक कहते हैं और जो एक्सट्रूसिव है इसी को आप बसालिक रॉक कहते हो मीन में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है अबाउट प्राइमरी रॉक्स प्राइमरी रॉक्स कौन सी होती है प्राइमरी रॉक्स जो है इग्नियस रॉक को बोला जाता है अब इग्नियस रॉक को जब आप मेन्स में भी लिखेंगे तो एक तो आप, आप, आप एक्सट्रूसिव तो का अंदर ही होती है।, बाहर का है जब आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे डेनडेशन हो चुकी होगी इरोजन हो चुकी होगी तब ये अंदर वाला पार्ट जो है बाहर आपको दिखता है तो ये भी एक एडिशनल कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए ठीक है नाउ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का अक्सर हम ये लोंगिट्यूड्स देखते ही नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए करेक्ट आंसर होगा मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए तो आपको ये चारों ही जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ये एब्सोल्युटली याद होने चाहिए ठीक है जी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इट विल हेल्प यू टू रिटेन द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोर्ट दे है तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको दिखाती हूं। यह देखे, यहां भी अगर आप देखेंगे रेड कलर में जो है ये आपकी कनाल है राइट सुनाल का एक बेटर एक थोड़ा बड़ा वर्जन आप देखेंगे तो ये एंड होती है मेडिटेरेनियन सी पे और यहाँ पे आपका पोर्ट साइड जो है आता है राइट right? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वाटर बॉडी पे अब ना यहां पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ जैसे मलक्का स्ट्रेट है तो कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मलक्का मैक्स है ना

देखोगे कि यहां पे एक लिमिटेड जो है गहराई की शिप्स आ पाती हैं तभी आप देखोगे कि मलक्का स्ट्रेट जो है ना वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंटेनर शिप्स नहीं आ पाती है बहुत लिमिटेड साइज की आ पाती है क्योंकि गहराई बहुत लिमिटेड है तो आप देखना यहाँ पे मलका इस इस कॉन्सेप्ट को मलका मैक्स कहते हैं कि लिमिटेड गहराई की शिप्स आ सकती हैं बहुत बड़ी बड़ी शिप्स नहीं आ सकती सेम गो सर पनामा कनाल एज वेल आप गूगल करना पनामा मैक्स एंड सुनाल के लिए भी कि लिमिटेड ही जो है डेप्थ की यहाँ पे जो है जो शिप्स हैं वो आ सकती हैं एज ए टर्म इम्पॉर्टेंट है नथिंग मोर देन दैट अगर कभी करंट अफेयर्स में आ गया तो आ गया एडिशनली मैंने आपको बता दिया है चलिए लास्ट क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स के बारे में पता होना चाहिए नाउ पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स आर दीस हिल्स आर रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रांग सैंड स्टोन्स जो कि सेडिमेंटरी रॉक्स हैं और ये पटकाई हिल्स नागा हिल्स मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स की बात करते हैं और आंसर ही ऑलरेडी यहां पे है बोथ वन एंड टू अब देखिए मैं आपको डायग्राम तो दिखा देती हूं कि मिजो हिल्स की जब हम बात करें पटकाई बम नागा हिल्स मिजो हिल्स मणिपुर हिल्स आती है यहां पे जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये सेडिमेंटरी रॉक्स है सैंडस्टोन से बनी हुई है मैं ना कोई छोटा सा कांसेप्ट समझाती हूं राइट जब भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने की बात हुई है हमने हमेशा कहा है कि यहाँ पे जियो सिंक्लाइन है जिसमें सेडिमेंट्स है और सेडिमेंट्स कहा से आए हैं जो रिवर्स है आपकी जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट होती थी ये वो सेडिमेंट्स लेके आती है तो डू यू रियलाइज कि रही पे एक्चुअली जब ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होके माउंटेन रेंजेस बनी है तो आप देखोगे उनमें सेरेमेंट्री रॉक्स तो रहेंगी ही रहेंगी ना क्योंकि अल्टीमेटली ये सब क्या है ये थे तो सेडिमेंट्स ही ना जब आपका डिस्टेंस कम हो गया तो वॉटर जो है फ्लश आउट हो गया सेडिमेंट से यहां जो रॉक्स बनी है वहां पे जो फोल्डिंग फॉल्टिंग हुई है वो सेडेमेंट्री रॉक्स का भी उनमें एस्पेक्ट रहेगा तो ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है ऑल्दो ऑफकोर्स इट्स अ फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये सैंडस्टोन से बनी होती है जो कैटेगोरिकली सेमेंट्री रॉक है बट अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है दैट सेडिमेंट्स क्यों कह रही हूं मैं यहां पे बिकॉज इस जियो सिंकलाइन में राइट right? सेडिमेंट्स ही तो एग्जिस्ट कर रहे थे पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा है राइट right? तो आई होप uh, आपने कुछ नया सीखा है मैंने आपको स्क्रीन भी दिया है यहाँ तो कोशिश यही करते हैं कि हर बार जो है कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कुछ नई टर्म्स डिस्कस वी आर रनिंग और बहुत होलिस्टिक है यहाँ पे एडवांटेज पता ही क्या है कोई स्टैंडर्ड थर्ड पार्टी पीपीटी नहीं है को लाइन 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 बाय बाय रिपीट पढ़ाया जाता है तो मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट है कि कभी कभी जो चीजें हमसे छूट जाती हैं रह जाती हैं वो भी यहाँ कवर की जाती हैं ऑफकोर्स आइडियली जीएस बैच एसोसिएट होना इज अ बेटर कॉन्सेप्ट कवर्ड है और आप कोई भी कोर्स खरीदे मैं हमेशा कहती हूँ जीएस या सोशोलॉजी या फिर पोलिटिकल साइंस करेंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं एस एच आर ए डी डीएचए श्रद्धा आपको पक्का ही कुछ ना कुछ फी जो है कम हो जाएगी राइट तो दैट्स ऑल फो द बेस्ट दोस्तों आई होप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है हमने आपकी प्रिपरेशन में Thank you. Bye-bye.